अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारे यहाँ हो रही है इफ्तार पार्टी, तो हमारे यहाँ कुछ गेस्ट आए हुए हैं, तो देखेंगे कौन कौन आया हुआ है। हादिया आई है। जैनब, जैनब इधर देखो, जैनब हाय करो, हाय, हेलो, जल्दी से करो हेलो। नहीं है तो मरियम भी यहाँ आ गई थी। तो यहाँ पर प्याज की पकौड़ी और पालक की पकौड़ी बनके तैयार है, और बिरयानी भी, यखनी तो बन गई है, बस चावल डलेंगे। और यहाँ भाभी हमारी बना रही हैं पकौड़ियाँ। यहाँ मेरी नंद यानी मेरी बाजी खरबूजा काट रही हैं। जैनब इधर आओ, जैनब, जैनब, जैनब करो, अल्लाह करो, जल्दी से करो, कुछ नहीं। तो यहाँ पर रोज़े का टाइम हो गया था और हम सब बैठकर यहाँ पर रोज़ा इफ्तार कर रहे थे। आधे गेस्ट यहाँ पर बैठे हुए थे और आधे मेरे रूम में बैठे हुए थे। तो यहाँ पर छोले, तरबूज, खरबूजा, पालक, आलू, प्याज, सब की पकौड़ियाँ थी, सब चीज़ें थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ रोज़ा खोलने के बाद सब चाय के मज़े ले रहे थे और ज़ैनब बहुत आराम से मरियम की गोद में लेटी हुई थी। हाँ, तो रोज़े के बाद इफ्तार के बहुत सारे बर्तन हो गए थे और सुबैया बर्तन धो रही है। और ये हमारी सबीला बाजी हैं। सबीला बाजी हाय करो, हाय। कौन है? यूट्यूब पे देखना कौन है। बर्तन धो लो। और नमाज, रोज़ा कैसा रहा आज का? सुनो, रोज़ा कैसा रहा आज का? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया। तो यहाँ मैंने खाना लगा लिया था, ये जैसे मरियम खाना खा रही है। तो खाने में थी बिरयानी, दही फुलगियाँ और कोरमा, चटनी, ये सब। तो रोज़े के बाद बहुत ज़्यादा थकन हो गई थी, हम बहुत ज़्यादा थक गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था आज। झूठ बोल रही है, इग्नोर हर। जैनब हाय बोलो, जल्दी से हाय, हाय, बाय बोल रही हो, चलो बाय बोलो, बाय 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 बाय, जल्दी से चलो, नमाज, चलो बोलो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जल्दी बोलो, लाइक करो भाई, और सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, और शेयर करो, शेयर करो, और कमेंट करो, बस कमेंट करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। तो यहाँ रोज़े के बाद सबको थकान हो रही है और सब कैसे लेटे हुए हैं, सबसे ज़्यादा ज़ैनब स्पेशली इतनी ज़्यादा थक गई है। तो बस जो गेस्ट आए थे हमारे वो भी चले गए, घर बिल्कुल उल्टा हो गया है। यहाँ सभी लबाजी सारा सामान एक तरफ कर रही हैं, सब डिस्पोजल, सब बर्तन। तो बस आज बहुत ज़्यादा थकान हो गई, बहुत ज़्यादा। तो अगले दिन हम लोगों को मार्केट जाना था, तो यहाँ पर मैं मार्केट जा रही थी नवाज़ के साथ ईद की शॉपिंग के लिए। तो देखते हैं वहाँ जाकर हमें क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। अगर कुछ अच्छा मिला तो इंशाल्लाह ले लेंगे, नहीं मिला तो कुछ दिन बाद देख लेंगे, लेट्स सी मिलता है या नहीं मिलता है। बताओ फिर कौन सा लेना।
तो यहाँ से हमने कुछ नहीं लिया था क्योंकि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इनके हाथ सूट के डिज़ाइन जो थे वो बहुत ज़्यादा हैवी थे, तो बस इसलिए हमने यहाँ से कुछ नहीं लिया था। तो अब हम मार्केट जाएंगे, मेन मार्केट, हम वहाँ जाकर देखेंगे ये क्या है। ये तो कुर्तियाँ हैं, चलो पहले आगे देख लेते हैं। आगे आगे उसकी दुकान, चलो चलो। तो बस एक दो जगह देखने के बाद हमने और दो चार दुकानें और देखी थी, तो फाइनली हमने सूट वैसे ले लिया था, लेकिन मैं एक दो जगह और देखने चली गई थी कि क्या कहते हैं, देख लेते हैं कहीं और कैसा मिल रहा है या फिर कैसा सामान है, कैसा माल आया हुआ है। तो इंशाल्लाह जो मैंने ईद का सूट लिया है वो मैं आपको ईद वाले दिन ही दिखाऊंगी। तो यहाँ ना हम बैंगल्स और ईयर रिंग्स के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स ऐसी थी जो बंद हो चुकी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो पहले हम देख रहे थे कि क्या कहते हैं, अगर ईयर रिंग्स हमें यहीं से मिल जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है, लेट्स सी मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। नहीं, सीधे चलो सीधे जल्दी आगे तो यहाँ मैं कपड़े का स्तर लेने के लिए आई थी, जो मुझे सूट के साथ तो मिला नहीं था। उसने कहा था कि अंदर से अलग से आपको लेना पड़ेगा, तो बस वहाँ पे शॉप्स बंद हो गई थी तो हम यहाँ देखने के लिए आए थे। लेट्स सी यहाँ मिलता है नहीं मिलता है, थोड़ा आगे। तो खैर माशाल्लाह यहाँ खूब सारी रौनक हो रही है। तो यहाँ पर मैंने अपने सूट का अस्तर लिया था, तो बस ये ब्लैक है और मेरा सूट का कलर भी ब्लैक ही है, बस हम यहाँ जा रहे हैं सोनिया देवी के लिए। चूड़ियाँ लेनी है या नहीं? आगे 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 वाला आगे। इसी के रोक लो बस। अच्छा तो चूड़ियाँ वगैरह हमने ले ली थी, अब हम घर के लिए जा रहे हैं। बीच में अगर कुछ अच्छा मिला तो देखते हैं। और ये घंटा घर पर हैं हम। तो यहाँ पर ना रात के 1 बज रहा था और नमाज लेकर आए थे पाए, जो कि हम यहाँ पर छत पे बैठ के खा रहे हैं अंधेरे में। हाँ, जबकि हमारे यहाँ लाइट आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी हम छत पर आए हैं खाने के लिए, छत के मज़े लेने के लिए।
तो चलो उतारते हैं। किसके पाए? रशीद के पाए, रशीद होटल, रशीद होटल के पाए हैं। चलो खाओ। तो यहाँ पर हमने खाना खा लिया था, तो बस अब हम वैसे ही वॉक कर रहे थे छत पे। और बताइए किस किस को गर्मियों में छत पे खाना पसंद है, छत पे कौन कौन खाना खाता है। वैसे गर्मियों के मज़े ना एक अलग से ही होते हैं, भले गर्मी ज़्यादा लगती है लेकिन हाँ ये होता है कि छत पे खाना खाना, थोड़ी देर छत पे इंजॉय करना अच्छा लगता है। तो बस थोड़ी देर में सहरी का भी टाइम हो जाएगा इंशाल्लाह। अब तहज्जुद वगैरह पढ़ेंगे मेरे मियाँ और मैं, हैं पढ़ोगे? तो बस चलिए, मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हैं, अभी तक 96 ही हुए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।